नमस्कार, इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भागलपुर पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भागलपुर पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के निर्देश अनुसार तातारपुर थाना क्षेत्र परबत्ती चौक के निकट नोवा टोली में सुनील शाह के घर और दुकान से लगभग 186 बोतल अंग्रेजी शराब पुलिस ने बरामद की है। वहीं सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि वरीय अधिकारी के आदेश के अनुसार छापेमारी के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। छापेमारी अभियान में शामिल सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज तातारपुर थाना, यूनिवर्सिटी थाना और कई अधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें कि चुनाव के समय शराब माफिया सक्रिय हो जाता है। शराब भारी मात्रा में देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव के समय इसे खपाया जाता, मगर भागलपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शराब माफियाओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। देखिए, ये बुक कितना मिली थी सीनियर एसपी साहब को, तारपुर थाना अंतर्गत ननवा टोली में सुनील शाह के पास शराब के शराब का आया। इस सूचना पे सीनियर साहब ने स्वच्छ एक टीम गठन किया, जिस टीम में एएसपी प्रोग्रेसनल, थाना प्रभारी कतारपुर, थाना प्रभारी यूनिवर्सिटी, ये टीम गठन किया गया और टीम को छापेमारी किया। छापेमारी क्रम में अभी आपको इसका हमें दिखाया जा रहा है, मैं डिटेल आपको देता हूँ। ये इम्पीरियल जो ब्लू है 750 ml का 203 बोतल मिला, यानी कि 152 कलम 50 लीटर होगा, 2.5 लीटर होगा। दूसरा है इंपीरियल ब्लू, वो 375 ml का 44 बोतल। तीसरा आपका है रॉयल चैलेंजर्स है, 750 ml का 24 बोतल मिला, यानी कि कुल 186.75 बरामदगी हुई है और गिरफ्तारी हुई है सुनील शाह, स्वर्गीय जयनाथ शाह, साकी ननवा टोली, कतारपुर। ये आज की उपलब्धि है, ये इनका घर का ऐसा बनावट है, आगे दुकान है और पीछे घर है। तो कुछ बोतल जो है इनके घर से मिला है, कुछ बोतल जो है दुकान से मिला है। और हम लोगों को जानकारी ये भी मिली है कि बोतल कहाँ से आया था, शराब कहाँ से आई, शराब कहाँ से आई और कहाँ जाना है, हम पूछताछ और कर रहे हैं ताकि इससे जुड़े हुए अन्य व्यक्ति जो भी शामिल है हमें उन्हें गिरफ्तार कर दें। राष्ट्रीय